कोरोना काल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे छात्र सरकार से परीक्षाएं रद्द करने या उन्हें ऑनलाइन कराने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड कह रहा है कि उसने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। IIM अहमदाबाद में फैला कोरोना, स्टाफ और छात्र समेत 40 संक्रमित। छत्तीसगढ़ का भिलाई वेटनरी कॉलेज अंचोरा में 50 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। साइंस कॉलेज जम्मू, स्टाफ और विद्यार्थियों को मिलाकर कुल 30 लोगों को कोरोना। भारत लगातार रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है, 1,45,000 नए कोविड मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक के लिए जितने भी सरकारी, गैर सरकारी, निजी स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ ने बोर्ड एग्जाम जो उनके यहाँ पे 15 अप्रैल से शुरू होने वाले थे उसको पोस्टपोन कर दिया है अगले आदेश तक के लिए, पता नहीं कब होगा। पंजाब पहले ही एक बोर्ड एग्जाम को पोस्टपोन कर चुका है और MP के बोर्ड एग्जाम्स का फैसला होगा 12 अप्रैल को। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि भाई CBSE आखिरकार क्या चीज़ का वेट कर रही है, उनको क्या चीज़ सुनना है या क्या चीज़ देखना है, ये समझ से बाहर है। बड़े ताज्जुब की बात है, इस वक्त जबकि कोविड का जो सेकंड वेव है वो पूरे देश में छाया हुआ है, पूरे संक्रमण के गति जो है वो बहुत ही तेज है इस वक्त। पिछले 14 महीने की बात करें तो अपने पीक पर है कोविड। 1,32,000 से ज़्यादा के केसेस हैं। मुंबई, दिल्ली में स्थिति बेदम है, मतलब आप क्या कहा जाए। लेकिन इसके बावजूद भी CBSE है कि कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल मुंबई में अभी तक का अगर हम बात करें तो 777 बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया है। 13 राज्यों में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। कई राज्यों ने बोर्ड एग्जाम्स को टालने की के लिए मीटिंग वगैरह जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि CBSE आखिरकार क्या चाहती है, जबकि ऑलरेडी CBSE के लिए अगर बात करें हम तो जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, वो रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि भाई आप किसी भी हालत में बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैंसिल कीजिए। 1,00,000 से अधिक स्टूडेंट्स ने पेटिशन डाला है, उसके बावजूद भी CBSE इस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं है। और CBSE का कहना है कि बोर्ड एग्ज़ाम, CBSE और ICSE दोनों इस जिद पर अड़ी हुई हैं कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्शन जो है वो हम करके रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों से # कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम 2021 ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन CBSE से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि भाई कोई चिंता की बात नहीं है, छात्रों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, हित का ध्यान रखा जाएगा, आराम से एग्जाम्स ले लिए जाएंगे, सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि एग्जाम सेंटर्स में 40-50% की वृद्धि की गई है। ताज्जुब की बात है, ये जितने भी कोविड गाइडलाइंस के सबकी चीज़ों की बात कर रहे हैं ये CBSE के अधिकारी या CBSE बात कर रहे हैं या ICSE बोर्ड बात कर रहे हैं, ताज्जुब की बात है, क्योंकि ये सारे चीज़ें तो जो हैं वो ऑलरेडी दूसरे जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे IIT, IIM, रुड़की वगैरह, दून स्कूल्स, इन सभी ने भी फॉलो किया था। कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सब ने फॉलो किया था। तो फिर वहाँ पे कोविड केसेस क्यों निकल करके आए? गार्जियंस की परेशानी दिन रात बढ़ते जा रही है, क्योंकि एक तरफ उनके बच्चों के भविष्य का बात है और दूसरी तरफ जान का। अब गार्जियंस तक के सामने में ये दुविधा है कि वो आखिरकार करें तो करें क्या, और बोर्ड जो है CBSE बोर्ड या दूसरे स्टेट बोर्ड्स वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं, कल देर रात छत्तीसगढ़ में जो 15 अप्रैल से बोर्ड एग्जाम्स होने वाले थे उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको स्थगित कर दिया गया अगले आदेश तक। MP में फैसला 12 तारीख को होगा, तो मतलब कुछ चीज़ें निकल करके आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक CBSE सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं ताज्जुब हूँ कि क्यों सुनने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं हम दूसरे देशों से हम सबक क्यों नहीं ले सकते। मैं एक छोटा सा अपडेट मैं पहले भी दे चुका हूँ, मैक्सिको में 1200 आसपास कुछ केसेस आए, एग्ज़ाम्स कैंसिल। सऊदी अरेबिया में 600 से केसेस आए, एग्ज़ाम कैंसिल। और कुवैत में 1500 लगभग केसेस आए और एग्ज़ाम कैंसिल। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ क्यों नहीं निकल पाता है, जबकि मेडिकल एक्सपर्ट जो हैं वो साफ साफ कह चुके हैं कि किसी भी हालत में क्लास 9, 10, 11 के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लीडिंग मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं आज तक के चैनल पे बैठ करके उन्होंने साफ साफ कहा, लीडिंग न्यूज़ चैनल पे बैठ करके और कई डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के साफ साफ कहा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट करवाना चाहिए। क्लास 12th की बात अलग है, लेकिन 12th में भी खुद डॉक्टर्स ये बात कहते हैं कि भाई इंटरनल असेसमेंट वगैरह कुछ दे करके बच्चों पर फोकस कीजिए। पता नहीं CBSE क्यों नहीं सुनती। गाइज, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई आप करो, ट्वीट भी आप करो,
ट्वीट भी पढ़ाई भी, ये पॉलिसी पे हमें चलना पड़ेगा। और फाइट भी, ये मैं एक एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ, क्या हमें अपने तरफ से बातें उठानी होंगी कि आखिरकार सीबीएसई सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है, उनको इश्यूज क्या है, इश्यूज क्या है। मतलब सारे लॉकडाउन वगैरह सब कुछ लगेंगे लेकिन एग्जाम्स के वक्त में उसको हटा दिया जाएगा, ये समझ से बाहर है। change.org इस पे, यहाँ पे एक याचिका डाला गया था जिसमें 1,00,000 से ज़्यादा जो है उस पे साइन किए गए, इसके फेवर में थे लोग। बच्चे पे दबाव में है, प्रेशर में है, लेकिन कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार सीबीएसई क्यों नहीं सुनती, आप ही बताओ कमेंट सेक्शन में कि सीबीएसई क्यों नहीं सुनती, सीबीएसई को दिक्कत क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो क्योंकि अब हमें भी कहीं ना कहीं अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि यार समय कम है, केसेस खतरनाक निकल रहे हैं, पेरेंट्स के सामने में तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव छोड़ा ही नहीं गया है। अगर पिछले बार 85,000 केसेस में एग्जाम्स को ख़त्म कर दिया गया था, मार्किंग स्कीम, अल्टरनेटिव मार्किंग स्कीम को यूज़ किया गया था, तो इस समय जब उससे दुगना लगभग का केसेस है, आसपास का केसेस है, तो हम बच्चों के सेफ्टी के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकते। बच्चों, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी करें, ठीक है, ट्वीट भी करें क्योंकि हमें ट्वीट नहीं छोड़ना है। #StudentWantsJustice इसको आप ट्विटर पे ट्रेंड कराएं, #CancelBoardExam2021 ये ट्रेंड करते रहना चाहिए। आपको ये चीज़ें लगातार करनी है और साथ ही साथ में पढ़ाई भी करनी है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि मैं बस यही कह सकता हूँ कि भाई जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, ये अपने जगह पे मस्त बैठे हुए हैं, ठीक है। तमाम पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो शायद ही कोई ऐसा जगह बच रहा है जहां पे बड़े भयानक इफेक्ट्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। एम्स में 50 से ऊपर के डॉक्टर्स नर्सेज कोविड हो गए, जबकि वो पीपीई किट जो है वो उस पर पूरे लैस रहते हैं, मास्क वगैरह सबके साथ में। सर, गंगाराम हॉस्पिटल की बात करें तो 37 से ज़्यादा स्टाफ डॉक्टर्स नर्सेज कोविड हो चुके हैं और तो भी हम जागने के लिए तैयार नहीं है। शायद हम वेट करें कि 10-50-100 अगर हो भी जाएं बच्चे तो क्या फ़र्क पड़ता है, शायद यही थ्योरी है। गाइज, बात उठाना होगा क्योंकि मुंह बंद रखना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है क्योंकि वो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ में। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन को प्लीज सपोर्ट कीजिए क्योंकि हम लगातार आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। आप पढ़ो, हम लड़े, इस पॉलिसी पे हम चलेंगे और आप बस साथ दीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।